काले घने लंबे बाल तो हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाल अगर हमारे फेस के ऊपर आ जाए तो हमें कता भी पसंद नहीं होते। तो अगर आप भी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है, आपके फेस के ऊपर भी ढेरों सारे बाल है, आप उनको रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ हो, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगाने से आपके जो अनचाहे बाल है, चेहरे के अपर लिप के हेयर है, वो जड़ से ही हट जाएंगे और जो आपको जल्दी जल्दी बाल आ जाते हैं जब भी आप अपने बाल को रिमूव करते हैं, रीग्रोथ जो है बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। ये वीडियो फेशियल हेयर को लेकर जो बहुत सारा सर्च करते रहते हैं ना, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पक्का से देख लेना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ नेहा, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स के ऊपर। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरे चैनल में नए आए हो तो बहुत सारा वेलकम है आपका मेरे चैनल के ऊपर भाई। तो मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर नहीं सकती, आपको करना पड़ेगा ना। तो आज का टॉपिक है कि अपर लिप के हेयर को नेचुरल तरीके से कैसे रिमूव किया जाए जड़ से ही। तो आज की होम रेमेडी बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। अगर आप अपने अपर लिप हेयर को रिमूव करना चाहते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जो कि आपकी स्किन के लिए सेफ हो, बहुत अच्छा तरीका है चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का, चाहे आपके पूरे फेस के ऊपर हो, चिन के ऊपर हो, चाहे आपके कानों के आसपास हो, आपके फोरहेड हेयर हो, चाहे आपके अपर लिप हेयर हो, अगर आप उनको जड़ से रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन क्या इस रेमेडी को आप स्टोर कर सकते हैं और क्या आप इसको टीनेज में यूज कर सकते हैं और इसको कितने दिन तक आपको लगाना होगा कि आपको जो फेशियल हेयर है वो जड़ से ही खत्म हो जाएंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक पक्का से जुड़े रहना, मतलब वीडियो को पूरा एंड तक पक्का से देखना, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो अभी शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा आटा, जो कि आप गेहूं का आटा खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी गर्मा गर्म रोटियां आप खाते हैं ना, वही आपको आटा चाहिए होगा। आटा बहुत अच्छे से हमारे फेशियल हेयर के साथ चिपक जाता है, स्किन के साथ नहीं चिपकता, जो महीन से बाल होते हैं ना उनके साथ चिपक जाता है, और जब आप इसको रिमूव करते हैं बड़े ईजिली बाल रिमूव हो जाते हैं। लेकिन फेशियल हेयर कैसे इससे रिमूव होते हैं वो आप वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा आटा, यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के आटा ले रही हूँ। सेकेंड आपको चाहिए होगा बेसन, आपको 1 चम्मच बेसन इसमें ऐड करना है। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से, मतलब काफ़ी पुराने समय से फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए किया जा रहा है, ये तो आप सबको पता ही होगा, आपके दादी नानी आपको बताते ही होंगे। तो आटा ले लिया, बेसन ले लिया। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, जो स्किन प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने में हेल्प करती है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी स्किन काफ़ी डल रहती है, आपको सनटैन हो गया है गर्मी के सीज़न में, तो भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर आप टीन एज में तो भी काफ़ी अच्छा रहता है, आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक लेना है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा रोज़ वाटर, आप चाहो तो रोज़ वाटर का यूज़ कर ले, मतलब गुलाब जल का इस्तेमाल कर ले, आप चाहो तो इसमें दही ऐड कर ले, इन दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर ले, इनको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन के प्रिपेयर हो जाए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा पैक बन के रेडी है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके फेस से फेशियल हेयर को तो हटाता ही है, साथ ही आपकी चेहरे की रंगत को निखारने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसको कैसे लगाना है, हटाना कैसे है, ये आप देखते रहिए। जब भी आपने इसको लगाना है, अपने पहले फेस को अच्छे से पानी के साथ आपको वॉश कर लेना है, उसके बाद अपने फेस के ऊपर इसकी एक लेयर आपको लगा लेनी है। जहाँ पर आपको फेशियल हेयर है आप चाहो तो सिर्फ वहाँ पे ही लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको फेशियल हेयर है। अगर आपको अपर लिप के ऊपर है सिर्फ वहाँ पे लगा लीजिए, अपने चिन के ऊपर लगा लीजिए, या फिर अब जहाँ पे आपको हेयर है फोरहेड के ऊपर है वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। फुल फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा ही है आपके फेस के लिए। अगर आप टीन एज में हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली आपकी स्किन के लिए सेफ है। तो आपने इसको लगाने के बाद सूखने तक इसका वेट करना है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा देन ही आपको इसको रिमूव करना है। मतलब बहुत ज़्यादा भी आपको टोटली ड्राई नहीं करना है, 95% आपको ड्राई कर लीजिए, 5% जो आपका थोड़ा सा गीला होना चाहिए। तो जब आपने इसको रिमूव करना है कि बालों की जहाँ पे ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको हल्के हाथों से रब करते हुए आपको रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा तेजी तेजी से रब मत करना, हल्का सा आपको मसाज करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। अभी आप इसको हफ्ते में कितनी बार लगा सकते हैं, हफ्ते में आप इसको 2 से 3 बार लगा सकते हैं, 1 दिन छोड़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप इसको ऐसे रगड़ते हुए मसलते हुए रिमूव करते हैं तो इससे आपके जो फेशियल हेयर की रूट्स हैं जड़ें हैं वो वीक हो जाती है, वीक होने के साथ साथ जो रीग्रोथ है जो
आपको दोबारा बाल आ जाते हैं उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अच्छे से हटाने के बाद उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद फिर आप अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए। एक दो मिनट के लिए हल्की फुल्की रेडनेस अगर आपको दिखाई देगी तो डोंट वरी, उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि एक दो बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको इसको 5 से 6 महीने कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा। जब आप इसको कंटिन्यू ट्राई करते रहेंगे, आप इसको हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, 1-2 दिन छोड़ के लगा लीजिए, तो जब आप इसको ट्राई करते रहेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट आपको इसका दिखाई देगा। रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिल सकता है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसका काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने हेयर को रिमूव करने के लिए। इसने मेरी जो हेयर ग्रोथ की जो रूट्स है उसको काफ़ी वीक कर दिया है, जिससे मेरे को रीग्रोथ अब जल्दी नहीं होती है, बहुत लेट बाल आते हैं। आप चाहे किसी भी मेथड से अपने हेयर को रिमूव करते हैं, चाहे आप शेविंग करते हैं, चाहे वैक्सिंग करते हैं, जब भी आप कोई भी मेथड से अपने बालों को रिमूव करते हैं उसके बाद भी इसका यूज़ कर सकते हैं परमानेंट सोल्यूशन के लिए और जो बालों की जड़ों को कमजोर करने के लिए, तो आप इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को एक लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।